नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप देख रहे हैं माय फोटोग्राफिक चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एडोबी फोटोशॉप CS3 में हेयर कट कैसे करते हैं। उसे यूज में लाने के लिए आपको पहले एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम एक बैकग्राउंड लेके आएंगे। अब हम जिस भी इमेज का हेयर कट करना है उस इमेज को हम ओपन करेंगे। और इस इमेज को हम बैकग्राउंड लेयर पे ड्रैग करेंगे। यहां से इस इमेज को कट कर दे। इस इमेज को बैकग्राउंड लेयर से मैच करते हैं। कंट्रोल टी, इस इमेज को हमने बैकग्राउंड से फिट कर दिया है। यहां पे आप लेयर पैनल में आप देख सकते हैं, लेयर पैनल में थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। लेयर पैनल में आपको हेयर कट की एक लेयर वन और बैकग्राउंड लेयर आपको दिख रही है। आपको क्या करना है दोस्तों, इस लेयर वन को डुप्लीकेट लेयर बनाना है। डुप्लीकेट आप लेयर यहां से बना सकते हैं या फिर कंट्रोल जी शॉर्टकट है उससे कर सकते हैं। यहां पे लेयर वन ऑलरेडी है तो इसका नाम मैं लेयर टू दूंगा। ओके, अब हम इस लेयर वन को लेयर टू, अभी हम इस लेयर टू को डिसेबल करेंगे और लेयर वन को हमें हेयर का जितना भी पोर्शन चाहिए उतना ही हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए हम यहां से सिलेक्शन टूल लेंगे। यहां से हमने इतना सिलेक्शन ले लिया, अभी हमें सिर्फ इतना ही सिलेक्शन चाहिए इसलिए और इसके अपोजिट वाला सिलेक्शन नहीं चाहिए। तो फिर हम इन्वर्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई, और यहां से इस अनवांटेड पोर्शन को हम डिलीट कर देंगे। अब हम इस लेयर वन के जो भी हमारा हेयर का जो पोर्शन है उस लेयर को हम इसे ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए मेनू बार में इमेज एडजस्टमेंट और ब्लैक एंड व्हाइट, इसका शॉर्टकट है अल्ट शिफ्ट कंट्रोल बी, इसे यहां पे क्लिक करेंगे। यहां पे ओके। ओके करने के बाद आप इस इमेज को थोड़ा सा लाइटली कंट्रोल एल लेवल थोड़ा सा बढ़ा लो। यहां से ओके करो। फिर इस इमेज को आप ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी जो सबसे पहले वाली जो लेयर थी कलर वाली उसे आप एनेबल कर दो और इस इमेज में से आपका सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के लिए आपको टूल बार में से क्विक सिलेक्शन टूल को सिलेक्शन करना है और आपका सब्जेक्ट यहां से सेलेक्ट कर लो। थोड़ा सा रफ सिलेक्शन किया तो भी चलेगा। ये बहुत ही सिंपल स्टेप से दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा इसमें ज्यादा लेंथी प्रोसेस है। अभी हम इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और बाहर का जो अनवांटेड पोर्शन है इसे कट करने के लिए हम वापिस से इन्वर्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई इसका शॉर्टकट, और इस अनवांटेड पोर्शन को हम यहां से डिलीट करेंगे डिलीट बटन दबा के। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, अब यहां से हम सिलेक्शन हटा देंगे कंट्रोल डी से। आपके इमेज में लेयर वन में जो अनवांटेड पोर्शन अभी यहां पे रह गया है पिंक कलर का, तो इसे हटाने के लिए हम यहां पे एक सिंपल मास्किंग करेंगे। व्हाइट ब्रश टूल लेंगे, आप थोड़ा सा यहां से ओपेसिटी कम कर लो। यहां से हम
अनवांटेड पिंक कलर जो हेयर के बैकग्राउंड से मैच था उसे हम हटा देंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों पिछले वाले इमेज में जिसे हमें ब्लैक एंड व्हाइट करके ब्लेंडिंग ऑप्शन मल्टीप्लाई कर दिया था उसकी वजह से पीछे वाली इमेज में हेयर हमें दिखाई दे रहे हैं। देखो इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ पे अनवांटेड पोर्शन यहां से हटा दिया है। अभी हमें क्या करना है, नीचे वाली लेयर को सेलेक्ट करना है और हमें लेना है कर्व। कर्व लेने के लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल एम दबाएंगे, फिर हम यहां से व्हाइट पिकर सेलेक्ट करेंगे। व्हाइट पिकर सेलेक्ट करने के बाद उस लेयर में से जो पोर्शन अभी बच जो पोर्शन रह गया था उसे हम खाली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखो पिछले जो बैकग्राउंड में अनवांटेड जो पोर्शन था वो हट गया है। यहां से हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप इस पहले वाली लेयर को सेलेक्ट करो और दूसरे वाली लेयर को सेलेक्ट करने के बाद यहां पे लिंक लेयर का ऑप्शन है, इस ऑप्शन को आप लिंक कर दो। इसे लिंक करने से आपका हेयर और पीछे वाली इमेज और आगे वाली इमेज लॉक हो जाएगी। फिर आप इस इमेज को किसी भी बैकग्राउंड पे आप सेट करेंगे। तो फिर आप इस इमेज को किसी भी बैकग्राउंड पे सेट कर सकते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे ये बैकग्राउंड मैंने यहां से लिया था। अगर मुझे ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए, अगर कोई दूसरा बैकग्राउंड चाहिए तो मैं वो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहां से मैं दूसरा बैकग्राउंड लेता हूं, यहां से प्लेस। देखो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं आपके हेयर के डिटेल बहुत ही क्लियर दिख रहे हैं। अगर आपको यह भी बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो आप अलग से बैकग्राउंड ले सकते हैं, यहां से प्लस। तो दोस्तों इस तरह से आप Adobe Photoshop CS3 में किसी भी इमेज का हेयर कट बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज का इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।